दौर में सोशल मीडिया हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है। इसका उपयोग सोच समझ कर करना काफी जरूरी है। इसके जरिए अच्छाई और बुराई दोनों को आमजन के सामने रखा जा सकता है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग नकारा तरीके से कर रही है। यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मीडिया टीम को नकारात्मक माहौल बनाने का प्रशिक्षण देती है, लेकिन अभी तक राजस्थान में कांग्रेस के युवा सिपाहियों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। OSD शर्मा ने मरु नगरी बीकानेर में उनके स्वागत को यादगार बताया और कहा कि इससे वे काफी प्रसन्न हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे बीकानेर के संवाददाता KK सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान सरकार के CM अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा। बात करते हैं, काफी सक्रिय हैं और बीकानेर में जबरदस्त ताबड़तोड़ स्वागत हुआ है। सर, बहुत बहुत बधाई बीकानेर पधारने पर। आप क्या कहें, ये आप सभी का स्नेह है, मेरे तमाम युवा साथियों का, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों का मेरे प्रति जो स्नेह है, मैं उसी को लेकर हमेशा से चलता रहा हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी का कि इतना स्नेह उन्होंने मुझे दिया। सर, कहा जाता है कि राम को खुश करने के लिए हनुमान की पूजा की जाए या हनुमान को खुश रखा जाए तो निश्चित रूप से राम खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसा माने कि आपके जबरदस्त जो कार्यकर्ता है, फैन है, कहीं ना कहीं राम को खुश करने के। देखिए, तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ ही है, शास्त्रों के अनुसार हम चलें तो ईश्वर, अगर राम की आप बात कर रहे हैं तो राम के तक पहुंचने का द्वार तो वाकई हनुमान जी ही है और हमने सभी ने हनुमान जी को उसी रूप में देखा है। लेकिन हो गया आप हनुमान, मेरी तुलना हनुमान जी से नहीं की जा सकती। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरी जो भूमिका है वो बहुत ही एक कहते हैं ना सजे हुई तरीके से राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं, जो उनकी योजनाएं हैं, प्रदेश के आम जन के लिए जितने संवेदनशील निर्णय वो ले रहे हैं, उन सबको डिजिटली जितने भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं उनके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का एक मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है और उसी के लिए मैंने पूरे प्रदेश भर में जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको साथ लेकर उनके साथ सहयोग से उस चीज को आगे बढ़ाने का एक बीड़ा उठा। बिल्कुल, ये बात आपने प्रूव भी की है। पिछले दिनों सरकार अलग अलग खेमों में बटी हुई थी, अल्पमत जैसी स्थिति भी थी, उसमें भी मेरी कोई भूमिका ऐसी नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया, जो जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई मैंने उन्हीं का निर्वहन किया है। सर, CM के दौरे की अगर हम बात करें तो बीकानेर में CM का दौरा है, क्या कुछ खास आपका बीकानेर दौरे का? देखिए, मैं जो आया हूँ यहाँ पे विशेषकर अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया उसमें उन्होंने सोशल मीडिया के भरपूर दुरुपयोग की बात कही है। मैं उसे दुरुपयोग ही कहूंगा, वो जिस भी रूप में उसका उपयोग करते हो मेरी नजर में वो दुरुपयोग है, क्योंकि वो इस प्रदेश में और इस देश में इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके सिर्फ और सिर्फ झूठ और भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उनकी जो ट्रोल आर्मीज हैं, वो इस सरकार की और इस देश और प्रदेश के उन नेताओं की छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। जो हमारे अच्छे लीडर्स हैं उनको और उनकी छवि को वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वही प्रयास वो इस राजस्थान में करना चाहते हैं। जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, जैसे मेरी जानकारी में आया है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग करें और यहाँ पर भी वो जो माहौल बनाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में भी देखा कि सांप्रदायिक सौहार्द को उनकी मंशा है कि वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक मैं, मेरे साथी, कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स पे सक्रिय हैं, मेरी ये मंशा है कि मैं उन सभी को एकजुट करके उन्हें अग्रेसिवली एक्टिव करूं ताकि वो सकारात्मक तरीके से प्रदेश के जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को और उनके विचारों को, उनके किए गए कामों को पहुंचाने का बीड़ा उठाएं, क्योंकि हमारी ये कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है कि हम अपने किए हुए कामों को भी नहीं गिना पाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा देता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सभी साथियों को, सभी जितने भी मेरे इन प्लेटफॉर्म्स को उपयोग करने वाले जो युवा साथी हैं उनके साथ मैं एक संवाद कायम करूं, प्रदेश भर के तमाम लोगों को मैं इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ने का प्रयास करूं ताकि वो इनका उपयोग सकारात्मक तरीके से ले सके। कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म में कांग्रेस पार्टी है जो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्या बात करें? देखिए, उसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम से लड़ने के लिए अभी हमें बहुत आगे तक
प्रयास करने होंगे, हमें मजबूत करना होगा इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि सोशल मीडिया बेसिकली दो तरीके से काम करता है। आप उसे एक दुधारी तलवार की तरह उपयोग में ले सकते हैं, आप उसका नकारात्मक उपयोग कर सकते हैं और सकारात्मक कर सकते हैं। तो जो विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, उसका नकारात्मक उपयोग करते हैं। और हमारा प्रयास ये है, आपने कई बार ये देखा होगा कि इस प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को व्यक्तिगत रूप से धूमिल करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयत्न किए, और ऐसे झूठ भरे उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने ट्वीट्स किए या कंटेंट्स को उन्होंने सर्कुलेट किया। लेकिन मैंने हमारे सहयोगियों के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से और हमारे जो जुड़े हुए साथी हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से उनको मजबूर कर दिया कि जो भी झूठ उन्होंने फैलाने की कोशिश की, हमने उनको न्यूट्रलाइज किया और आम जनता तक सच पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी का तो जनता को देखना है कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार सच जनता तक पहुंचे कि वाकई में सच क्या है, और मैं उसी के लिए लगा हुआ हूं लगातार। बीकानेर में आज आपका आगमन और जबरदस्त स्वागत। बीकानेर में चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है, कहीं राजनीतिक क्षेत्र में कहीं आने की तैयारी? देखिए, मैंने कहा ये तो सभी का स्नेह है और मैं बहुत अभी भी हूँ स्नेह को पाकर। बाकी की जो कयास है वो सभी लोग लगाते रहे जो उनको लगाना है, लेकिन मेरा उद्देश्य मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया कि मैं तमाम साथियों को एकजुट करके उसी दिशा में काम करना चाहता हूं, क्योंकि अब उद्देश्य एक ही है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट होनी चाहिए, और उसके लिए हम तमाम साथी, विचारधारा कांग्रेस से जुड़े हुए लोग भी और जो मेरे साथी हैं, जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी से जुड़े हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर उस दिशा में प्रयास करें। और इस सब काम के लिए मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो मैं इसी प्रयास में हूं कि सभी को उस दिशा में आगे ले जाऊं और जो मुझसे सहयोग बन पड़े मैं उस सहयोग को करूं। तो ये थे सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करना इनका एक तरह से उद्देश्य है, उसी के लिए बीकानेर और पूरे प्रदेश भर में वे घूम रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो माहौल को वे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए जो किया गया है उसे वे गलत बता रहे हैं, और निश्चित रूप से जबरदस्त जो स्वागत है उसे वे गलत करती है। KK सिंह A1 TV।